देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। आज देश में एक और बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने अपना चौथा बजट पेश किया, और बजट पेश करते हुए उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि ये जो बजट है ये गरीब किसान उनके लिए है, छात्रों के लिए है, युवाओं के लिए है, हमने उन सबके प्रोत्साहन के लिए इस बजट को बनाया है। कई सारी बातें उन्होंने कही अपने बजट के दौरान और कई सारी बड़ी घोषणाएं भी करी। उन्होंने ये कहा कि 2014 से जब से हमारी सरकार देश में काबिज हुई है, तब से लगातार जो गरीब है, जो किसान है, जो अपने आप को सरकारों से परेशान महसूस कर रहा था, उसके विकास के लिए, उसके उद्धार के लिए लगातार हमारे जो बजट हैं वो पेश होते आए हैं, लगातार जो हमारी सरकार है वो काम करती आई है। लेकिन ये जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है, इसमें कई सारी प्रमुख बातें कही तो गई हैं, लेकिन वो कितना अमल करती हैं, और जो बातें कही गई हैं उनसे आम व्यक्ति, उनसे व्यापारी कितना खुश है, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर आज का ये जो बजट पेश किया गया है इसमें प्रमुख बातें क्या हैं। बताया गया है सरकार की तरफ से कि करीब 60 लाख नौकरियों के जो रास्ते हैं वो इस बजट से खुलने वाले हैं। इसके अलावा नदियों के जोड़ने पर, जो नदियां हैं उन्हें जोड़ने पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ई पासपोर्ट की सुविधा शुरू की जाएगी। 44,605 करोड़ केन बेतवा योजनाएं जो हैं उसमें लगाए जाएंगे, ताकि किसानों को सिंचाई का जो है वो आसानी से लाभ मिल सके। पेयजल की जो सुविधा है उसे बेहतर किया जाएगा देश में, ताकि लोगों को सही तरीके से साफ सुथरा पानी पीने के मिल सके। इनकम टैक्स में कोई भी बदलाव सरकार ने नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो वर्चुअल करेंसी है, क्योंकि काफी समय से क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी पर जो संग्राम था वो मचा हुआ था, सरकार कह रही थी कि हम इसको बैन भी कर सकते हैं, इस पर टैक्स भी लगा सकते हैं, और सरकार ने कहा कि हम इस पर 30% का जो टैक्स है वो लगाएंगे। लाखों करोड़ों जो है कई लोगों का इसमें फंसा हुआ है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस फैसले के बाद कितना मुनाफा या घाटा उन लोगों को होता है। इसके अलावा सरकार ने कई सारी चीजें जो है वो सस्ती भी करी है, जिसमें चमड़ा हो गया, खेती हो गई, खेती से जुड़े हुए जो सामान हो गए वो हो गए, मोबाइल हो गए, मोबाइल के चार्जर हो गए, हीरा हो गया, ये सारी जो चीजें ये सरकार की तरफ से सस्ती की गई हैं। और सरकार ने सबसे अहम बात, क्योंकि निर्मला सीतारमण जब बोल रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि हमारी सरकार ने लोगों को आवास दिया है, रहने के लिए छत दी है, घर दिया है, और एक बार फिर से सरकार ने उसी चीज पर फोकस करते हुए ये कहा है कि इस बार भी हमारा 80 लाख आवास बनाने का एक अलग संकल्प है, उस संकल्प पर हम काम करेंगे। और साथ ही किसानों के लिए भी अहम बात यह कही गई है कि जो किसानों की फसल होगी उसकी रिकॉर्ड खरीद करी जाएगी। ये थी कुछ प्रमुख बातें। अब सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने इनकम टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी है, तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, वो कितना इससे खुश है। व्यापारियों के लिए ई कॉमर्स या इस तरह की जो चीजें थी जिस पर व्यापारी चाह रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार की थोड़ी सी बंदिशें जो है वो इस पर हुए, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा किसान सम्मान निधि हो गया, या इस तरह की जो प्रमुख चीजें थी जिन पर अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार इस बार कोशिश करेगी और सरकार इस बार बजट में इन चीजों को लागू करते हुए उनको लाभ पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं किया गया। विपक्ष ने सरकार के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि सरकार की तरफ से ये जो बजट पेश किया गया है ये पूरा का पूरा जो बजट है वो शून्य है, क्योंकि इसमें जो नौकरी पेशा है, जो छात्र है, जो तैयारी कर रहा है, इसके अलावा जो मध्यम वर्गीय है, उनके लिए बिल्कुल भी सोचा नहीं गया है सरकार की तरफ से। इसके अलावा ममता बनर्जी, जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इस बजट को शून्य बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट की सराहना की है, तारीफ की, और उन्होंने कहा कि हमारी सरकारें लगातार कोशिश करती हैं कि गरीब किसान, मजदूर, जो ग्रामीण व्यक्ति हैं उनका लाभ हो सके, उनके उद्धार पर ही हमने इस बजट को तैयार किया था और सरकार ने इस बजट को पेश किया है। तो अब देखना ही होगा कि सरकार की तरफ से ये जो पेश हुआ है बजट, आखिर ये जमीन पर कितना काम करता है और कितना लोगों के हित में ये बजट
बनाया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़े होते हैं कि जो विपक्ष कह रहा है क्या वो बातें सही हैं, क्या जो छात्र है, जो तैयारी कर रहा है, जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड पर्सन है, उस पर सरकार ने फोकस नहीं किया क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह की कोई छूट नहीं है। किसानों के लिए सरकार ने यह तो कहा है कि हम उनकी सिंचाई की जो सुविधाएं हैं वो बेहतर करेंगे, लेकिन किसान सम्मान निधि पर जो अनुमान लगाया जा रहा था वो दरअसल कुछ नहीं हुआ। लोगों को आवास देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है कि इस बार 80 लाख आवास फिर से लोगों को दिए जाएंगे, लेकिन वो कितना जमीन पर उतरता है ये भी देखना होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को देखते हुए क्या इस जो ये जो घोषणाएं हुई हैं ये घोषणाएं उन चुनावों को जोड़ने का काम करेंगी या फिर क्या होगा ये भी देखना होगा। कुल मिलाकर जो चुनाव है उन चुनावों को देखते हुए ये जो बजट पेश किया गया है विपक्ष पर उसका कितना असर पड़ेगा या विपक्ष उसे किस नजर से देखता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे अहम बात, व्यापारियों ने आज सुबह से ही टकटकी लगाकर खुद को बैठाया था, कई और व्यापारियों की संगठन लगातार इस बजट पर अपनी नजर बनाए हुए थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की तरफ से इस बार व्यापारियों को इस बजट में क्या पेश किया जाएगा, क्या दिया जाएगा। लेकिन व्यापारियों से जब हमारी बात हुई बजट के पेश होने के बाद तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि हमें इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें थी, हमें सरकार से उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने ई कॉमर्स के साथ साथ किसी भी तरीके से कोई भी छूट नहीं दी, कोई भी लाभ हमें इस बजट से नहीं हुआ। तो ये कुछ प्रमुख बातें थी सरकार की जो बजट में पेश की गई और विपक्षियों की, और इसके अलावा कुछ लोगों की जो बजट से जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है वो मैंने आपके सामने बता दी है। फिलहाल आप कुछ बयान सुनिए और इस डिबेट को मैं शुरू करूंगा क्योंकि आज की ये जो डिबेट है बहुत ही अहम है, चुनाव भी है, बजट भी है और क्या आगे की रणनीति है इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कुछ बयान सुनिए और फिर इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट 2022-23 यह गरीब कल्याण बजट है, यह गरीबों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे जो मेहमान है वो जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूं, फिर इस डिबेट को शुरू करता हूं। देशबंधु दीक्षित हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, प्रदीप चौधरी समाजवादी पार्टी से हैं, हम आम वहीद हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं और व्यापारी नेता के रूप में संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में।
संजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि ये बजट कहीं ना कहीं आप लोगों पर आप लोग इस पर बहुत अनुमान लगाकर बैठे हुए थे कि इस बजट में व्यापारियों के लिए सरकार कुछ सोचेगी, तो मैं व्यापारियों के साथ साथ अन्य दृष्टिकोणों को देखते हुए, किसानों को देखते हुए, गरीबों को देखते हुए, मिडिल क्लास को देखते हुए, सैलरीड पर्सन को देखते हुए आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इस बजट में जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई या नहीं? से ही बजट का सचिव किसानों देख रहा, तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठ के पूरे बजट को देखे, लेकिन बजट में व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए कोई बात नहीं कही, और हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव का समय है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार बजट के माध्यम से इस चुनाव को साधने की करेगी, और व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा होगा और उनके लिए बहुत सी चीजें होंगी। लोग ये मान के चल रहे थे कि ई कॉमर्स की कोई पॉलिसी, ट्रेडर्स के लिए कोई पॉलिसी, व्यापारियों के लिए आसानी से ऋण की व्यवस्था, जीएसटी का सरलीकरण, इस टाइप की चीजों की हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं बोला, ना ही कोई बात कही। एमएसएमई सेक्टर के लिए 2 लाख करोड़ की अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करने की बात कही है, जिसका स्वागत है, लेकिन उस फंड को भी डिफाइन नहीं किया कि कैसे और कहां पर, कल उन्होंने उसकी घोषणा की हुई है। कुल मिला के ये बजट जो है व्यापारियों के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो घनघोर निराशाजनक रहा। अच्छा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और किसान के क्षेत्र में निश्चित रूप से उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया है, लेकिन बाकी अन्य चीजों में देखा जाए तो बजट में कहीं कुछ था ही नहीं। वित्त मंत्री जी ने केवल एक भाषण को पढ़ दिया और कुछ भी नहीं था। अच्छा। ना ही उनको आयकर के कोई स्लैब में उनको कोई परिवर्तन किया। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। सुभाष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं और जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आप समाज सेवी हैं और लोगों के बीच रहते हैं, समस्याएं जो थी क्या जस की तस हैं या इस बजट में काफी कुछ बदलाव हुआ है इस बजट से? सुभाष जी की आवाज हमें नहीं मिल रही है। आवाज आई अभी नितिन जी? जी बोलिए सुभाष जी। नितिन जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये बजट पेश किया गया, ये पूरी तरीके से पिछली तरह के बजट की तरह ही है। प्रदेश के साथ साथ भारत देश के नागरिकों के लिए भी सिर्फ और सिर्फ एक जुमला दिया गया है, एक उनको जुमला पकड़ाया गया है, क्योंकि परिस्थितियां वैसी की वैसी बदली नहीं गई है। ये जो 1,00,000 करोड़ का बजट ये लोग बता रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक आंकड़ों की जादूगरी है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। इस बजट के अंदर इन्होंने एमएसपी की कोई बात ही नहीं की, किसानों के लिए कोई गारंटी की बात ही नहीं की। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता के लिए, जो तेल, पेट्रोल, सरसों का तेल, जो भी खाद्य सामग्री है, उसके ऊपर इन्होंने कुछ भी रिवाइज नहीं किया। ये कह रहे हैं कि हम रिकॉर्ड खरीद करेंगे किसानों को, ये भरोसा दिलाया है उन्होंने, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? नितिन जी, अगर इनको किसानों को भरोसा कर दिलाना तो पहले एमएसपी की तो गारंटी दें, जिसकी वजह से तीनों कृषि कानून की वजह से पिछले 1 साल से हमारे किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए थे, उनको एक उम्मीद थी, जिसके लिए शायद एक मैंने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला भी था कि इस कानून को रद्द कर रहे और भरोसा भी दिलाया था, लेकिन भरोसा कहाँ गया? उनको बजट के अंदर उन किसान भाइयों के लिए भरोसा देना था ना कि आपको एमएसपी गारंटी दी जाएगी, कहाँ उन्होंने दी? ये आंकड़ों की जादूगरी है, पूरी तरीके से आंकड़ों की जादूगरी है। इसके अंदर कहीं कोई ऐसी रियलिटी दिख रही है कि मध्यम वर्ग के परिवार को, भारत देश के मध्यम वर्ग के परिवार को कोई राहत इसके अंदर नहीं दी गई है। अच्छा। ये पहले की जैसा बजट है, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की ही जादूगरी है। जैसे कि हमारे संजय जी ने बताया, गुप्ता जी ने, व्यापारी नेता, इसलिए पहले स्पष्ट कर दिया कि जो सहूलियत मिलनी चाहिए, जिस सहूलियत की उम्मीद लगाई बैठी थी देश की जनता, व्यापारी वर्ग, वो सहूलियत भारतीय जनता पार्टी को जो देनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी सहूलियत को देने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। हमाम भाई हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। हमाम भाई, ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग क्यों नाराज हैं बजट से, क्योंकि सरकार ने बजट पेश किया, ये बताया कि हमारा जो बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, देश के स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, गांव, गरीब, किसान को मजबूत करेगा, और आप लोग इस बजट को शून्य बता रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि ये जो बजट है वो गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, किसान, मजदूर, सबको निराशा हाथ लगी है। क्यों? क्योंकि एक आशा, एक उम्मीद होती है जब बजट आता है। नहीं, उन्होंने कहा है कि हम भाई गरीबों को, अगर सरकार के पास बजट में बेरोजगारी के लिए कोई रोड मैप नहीं है। सरकार ने कहा कि हम 60 लाख नौकरियां देंगे। अभी मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था कि ये बजट उत्तर प्रदेश के देश के युवाओं के भविष्य में एक नई संगमिल साबित होगा, लेकिन सरकार का जो बजट आया है आप देखिए, कहीं युवाओं के लिए कोई रोड मैप नहीं है कि कहां से रोजगार ये लोग लाएंगे। रोजगारी, बेरोजगारी में इस वक्त उत्तर भारत
जो है 45 साल की सबसे सर्वाधिक बेरोजगारी की मार झेल रहा है, ऊपर से जो कोरोना काल का संकट आया है, महंगाई आपने बढ़ा दी। आप तो इस बजट में गरीबों के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं, आज बताइए महंगाई खाने पीने से लेके किसानों की सामान की सारी चीजें महंगी हो गई, वो महंगाई की मार से जूझ रहा इंसान, उसके बाद ऊपर से उसको नौजवान को रोजगार नहीं, डबल मार पड़ रही है। और डबल इंजन की सरकार ने और इस सरकार ने बजट में युवाओं को, गरीबों को, आमजनों के लिए कुछ नहीं किया। व्यापारी तबका को भी मैं सुन रहा था आप ही के चैनल पे, वो भी उनको भी निराशा हाथ लगी है। जो गरीब है जिनको विशेष पैकेज देना चाहिए था, उनके जेब में कुछ आमदनी जानी चाहिए थी, वो भी कुछ नहीं है। रक्षा बजट में भी इन लोगों ने कटौती की है, किसान का जो एमएसपी बजट है उसमें भी इन लोगों ने कटौती की है। तो कुल मिला जुला के ये सिर्फ एक झुंझुना है और सरकार का हीरा की सस्ता तरह हो गया। ये भी बजट आम जन के लिए, हीरा सस्ता के लिए, मैं ये कह रहा हूँ हीरा सस्ता हो गया, कब खरीद रहे हैं आप? अरे भाई यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं, रोटी कपड़ा मकान गरीब, हीरा कौन पहनता है? देश के गरीबों, ये भारत जो देश है वो गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, एक एक जन का है। देश की जो अर्थव्यवस्था या बजट होना चाहिए वो आम जन के लिए, हेलीकॉप्टर वालों के लिए, हीरा वालों के लिए बजट नहीं है। व्यापारी तबका परेशान है, गरीब परेशान है, नौजवान परेशान है, ऊपर से कोरोना काल की जो मार पड़ रही है, उस लिए आम जन को एक आशा थी, एक उम्मीद थी कि इस बजट में उनके लिए कोई विशेष पैकेज, जैसे कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी न्याय की तरीके से कोई विशेष पैकेज उनको, ताकि जो उनकी आमदनी है रोजमर्रा की जिंदगी, जो उनका बजट घर का बिगड़ चुका है, उसके लिए कुछ राहत होगी, लेकिन कोई राहत नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ। प्रदीप चौधरी साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। प्रदीप भाई, सरकार ने कहा है कि किसानों की रिकॉर्ड खरीद करी जाएगी उनकी फसलों की, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सिंचाई की व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा और हीरा भी सस्ता कर दिया है, तो आप किस सरकार के इस बजट को किस नजर से देखते हैं, कितना लाभ पहुंचेगा आम जनता को, आम जनमानस को? नितिन जी, इस बजट को मैं उसी नजर से देखता हूं जिस नजर के लिए सरकार जानी जाती है। किस नजर? ये सरकार केवल बजट दो लोगों के लिए लाती है, अडानी और अंबानी के लिए, क्योंकि इन्होंने आम टैक्सपेयर के साथ धोखा किया, कॉर्पोरेट घरानों को राहत देने का काम किया है। ये आप भी जानते हैं इसमें कॉर्पोरेट घराने कौन है, दो ही लोग हैं, अंबानी और अडानी। क्योंकि जिस तरीके से किसानों को आशा थी कर्ज माफी होने की, जिस तरीके से आम टैक्सपेयर को राहत मिलनी थी जी टैक्स स्लैब रिबेट स्लैब में, आम गरीब को, मजदूर को जो राहत मिल रही है, गरीबों का बजट बता रहे हैं, पूरा बजट नितिन जी सुनना, उस पूरे बजट भाषण में मात्र दो बार गरीब शब्द आया है। तो दो बार कम है क्या? जी दो बार कम है। अरे मैं क्यों कम नहीं है, ये देश किसके लिए बजट लाना चाहते हो आप? आपको राहत देनी थी किसान को, आप कह रहे हो कम रिकॉर्ड खरीद करेंगे, फिर एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दी आपने? आज आप कहते हैं एमएसपी की गारंटी देते हैं किसान की सारी फसलों को हम खरीदेंगे। रिकॉर्ड खरीद का मतलब तो वही हो गया कि जिस तरीके से आप खाते में 15 लाख देने वाले थे, 2 करोड़ प्रतिभा नौकरी देने वाले थे, आपने जिस तरीके से जुमलेबाजी करके आज चौथा बजट आया है, पूरे देश का किसान आज बदहाली के आंसू बहा रहा है। देश के किसान को ये आशा और उम्मीद थी कि आज कम से कम 2 लाख रुपए प्रति किसान, लोगों में चर्चा थी कि यूपी चुनाव या 5 राज्यों में चुनाव है, केंद्र सरकार इस बजट में किसानों को कर्ज माफी का तोहफा देगी। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने गरीब, आज जिस तरीके से आज पूरे बजट में दो बार गरीब का नाम आया है, किसान की आप बात करो, सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, अरे उनको आप मुफ्त में सिंचाई के यंत्र बांटो, आप उनको पंप सेट बांटने का काम करो, आप कितने लोगों को सिंचाई की बात करने, ये कहने और करने में बहुत अंतर है। ये बजट बिल्कुल झुंझुना है, गरीब किसान नौजवान से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये केवल और केवल दो लोगों के लिए बजट आया नितिन जी, क्योंकि कॉर्पोरेट घराने को राहत देंगे हम। अरे कोरोना में आपने आम आदमी को क्या राहत दी? कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं, अपनी बचत का पैसा जो गरीब एक एक। अच्छा, मैं ये कह रहा था प्रदीप भाई, मैं ये कह रहा था, ये जो डिजिटल रुपया वाला एक मामला चल रहा है आजकल, उसमें भी सरकार ने 30% का टैक्स लगाया, तो ये डिजिटल रुपया क्या किसान भी इस्तेमाल कर सकता है इसका? देखो ये धीरे धीरे लोगों को बाउंड करने जा रहे हैं। हाँ। और आम आदमी की हालत अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार यही करती रही तो रोटी कपड़ा मकान के अलावा आम आदमी अपना कोई शौक या कोई काम नहीं कर पाएगा, बहन बेटी की शादी भी करना बड़ी दुष्पार हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, आज बैंकों में अपन, मैं कह रहा हूँ थोड़े दिन बाद
बैंक आपका पैसा रखने के लिए टैक्स मांगना चालू हो जाए, बैंकों की हालत देख लीजिए आप। अब गरीब के पास जब पैसा ही नहीं बचा तो डिजिटल कहां से आएगा? अरे जब उसके हाथ में धेला बचेगा ही नहीं तो क्या डिजिटल होगा और क्या कैशलेस होगा, इसका गरीब और किसान का कोई मतलब नहीं है। आज देश का किसान बैंक के लोन के कर्जे में दबा हुआ है, आज नौजवान पकौड़े तलने लायक नहीं छोड़ा है, आज नौजवान नौकरी मांगता लाठियां पड़ती हैं, आज नौजवान पेपर की तैयारी करता पर्चा लीक हो जाता है। आप पूछना चाहते हो ये करना क्या चाहते हैं? और किसको देंगे? अडानी और अंबानी को हाथ देंगे? मैं आता हूं प्रदीप भाई, मैं आता हूं आपके पास। देशबंधु जी हमारे साथ जुड़े हैं, समय थोड़ा मुझे छोड़ देना नितिन जी, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। देशबंधु जी सुना आपने, क्योंकि हमने सपा से भी बात की, कांग्रेस से भी बात की, समाज सेवियों से भी बात की और व्यापारी नेता से भी बात की। सबका आप लोगों को वोट चाहिए होता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जनता के बीच जाते हैं और ये बताते हैं कि कमियां कहाँ रह गई सरकार की, सरकार क्या कर सकती थी क्या नहीं करी है। आप इस बजट में क्या अच्छा बताना चाहते हैं इन लोगों को, सबसे पहले ये बताइए। और ये भी बताइए कि जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया, युवाओं का, किसान का, बेरोजगारों का, उनके लिए इस बजट में कितना कुछ है जो ये नहीं देख पा रहे? नितिन जी मुझे एक मिनट का समय दीजिए। बिल्कुल सर, पूरा है। 137 करोड़ हित लोगों के हृदय प्रिय सम्राट हमारे यशस्वी से देव प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी कर्मठ और लोगों के हृदय पर राज करने वाले कर्मठ योगी संत योगी आदित्यनाथ जी को इस बजट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बाकी सब तो नहीं दे रहे हैं। और जैसा कि अभी आप चर्चा की तो एक लाइन कहूंगा बस इस प्रशंसा के लिए, अन्नदाता हूँ मैं, जीवन दाता हूँ मैं, अन्नदाता हूँ मैं, जीवन दाता हूँ मैं, भारत के भाग्य का विधाता हूँ मैं। अच्छा। इसी शब्दों के साथ कहूंगा, भारत की 75% आबादी कृषि प्रधान है, कृषि से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए आपने देखा बहुत सारी योजनाएं आज के बजट में प्रेषित की गई, कुछ योजना